राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी नेता अपने अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं। कोई पोस्टर छपवाकर अपना प्रचार करने में लगा है तो कोई रैली निकालकर वोटरों को अपनी ओर खींचने में लगा है। लेकिन इन सब के बीच भाजपा के पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ओटाराम जातीय एकता की बात कर रहे हैं। ओटाराम देवासी ने कहा कि कई सालों से हमने हर पार्टी को सहयोग दिया है, लेकिन इस बार हमें ये ध्यान रखा है कि पार्टी वार्टी कोई नहीं, रबड़ी समाज एक ही रहेगा। भले ही रबड़ी समाज का कैंडिडेट किसी भी पार्टी से क्यों ना जुड़ा हो, अपने समाज के लोगों को हर हाल में सपोर्ट करना है। तो वहीं अब बताया जा रहा है कि रबड़ी समाज की एक मीटिंग जालोर के हरियाणी स्कूल में होनी थी, क्योंकि इस स्कूल से समाज के 750 बच्चे सरकारी नौकरियों में लगे हैं। ऐसे ओटाराम देवासी का कहना है कि यहां मीटिंग कराने से उनका मकसद ये था कि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कर सकें। दूसरी तरफ इस मामले पर सफाई देते हुए ओटाराम ने कहा कि समाज का मंच था, समाज के लोग थे, उसमें कुछ भाजपा के तो कुछ कांग्रेस से जुड़े थे, इसलिए मैंने जो कहा था जोधपुर कार्यक्रम में, समाज के सभी लोगों को मिलकर काम करना है। मैंने किसी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, मैं खुद भाजपा से जुड़ा हूँ। पार्टी ने जो मुझे दिया है मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकता। पार्टी अलग है और समाज अलग है। जिस तरह से हम पार्टी के लिए काम करते हैं उसी तरह से हमें अपने समाज के लिए भी काम करना है। आपको बता दें कि ओटाराम देवासी अपने समाज के धर्म गुरु हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। 2005 में उन्हें राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का संयोजक बनाया गया था। इसके अलावा वो 2008 और 2013 में सिरोही के विधायक रहे हैं। पूर्व में भाजपा सरकार में गोपालन मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। चुनावों के दौरान पार्टी अपने ही नेताओं की ओर से पार्टियों के लिए दिए गए ऐसे बयान उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। अब देखना होगा कि भाजपा ओटाराम के इस तरह के बयान के बाद क्या फैसला लेती है। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।